हमें एक्सेल खोल लेना है। ये आपको यहाँ पे एक टेबल बनाई दिख रहा होगा जो पास और फेल वाला है। ऐसा ही टेबल बना के हम आपको दिखाएंगे और कैसे कौन कौन फॉर्मूला यूज करते हैं वो बताते हैं हम शुरू से। पहले तो दो कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ तक के तक ले ले रहे हैं मिनिमाइज सेंटर पर जाकर। और यहाँ पे एक बार क्लिक करके यहाँ पे हम डालेंगे जो हमारे कॉलेज का नाम है जो भी हो। और हम फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे यहाँ से, आप देख रहे होंगे ये। और फिर एक कॉलम और हम यहाँ से दो कॉलम का ही मार्च करेंगे ये तक ही। ये के है यहाँ तक, मतलब एरो लिख के तो मार्च किया। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट पास एंड फेल टेबल। ये कॉलेज में एक टेबल बनाते हैं वो है, तभी फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। और फिर हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इनको बोल्ड कर देंगे। लोगे अब इनमें एक फील कलर दे देंगे, बैक में जो कलर देते हैं हम बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड में फील कलर दे दिया है वाले को दे देंगे। अब यहाँ से हम फिर सारा सेलेक्ट करेंगे ये के तक। फिर यहाँ पे हम इसे बोल्ड और सेंटर यहाँ पे हम लाए हैं, तो आपको लिखा हुआ दिख गया होगा सेंटर। यहाँ क्लिक कर देंगे, जो भी हम यहाँ अब इसमें लिखेंगे वो सेंटर में आएगा और बोल्ड में आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रोल नंबर और दूसरा में लिखेंगे स्टूडेंट ऑफ नेम। तो उसके लिए सेल बड़ा करना पड़ेगा हमें, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। अब यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट ऑफ नेम, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा ये। और यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम मैथ, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा केमिस्ट्री वाला। फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। हमारे पास पांच सब्जेक्ट हैं जो हमने लिखते हैं। फिर लिखेंगे हम टोटल मार्क्स, के लिए भी थोड़ा ब्रैकेट बड़ा करना पड़ेगा। टोटल मार्क ये भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, टोटल मार्क। अब यहाँ लिखेंगे एवरेज, एवरेज एवरेज तो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। एवरेज के बाद लिखेंगे पास एंड फेल, तो इससे बड़ा कर लेते हैं पहले ही। पास एंड फेल सबसे लास्ट में लिखेंगे हम ग्रेड, ग्रेड। अब हम कोई एक पहले बताते हैं आपको, रोल नंबर डाल देते हैं कुछ भी, 201 स्टूडेंट नाम डाल देते हैं, विकास। मैथ में इनको 25 नंबर मिले हैं, पहले बताते हैं चलो 55 नंबर देते हैं, ऐसे नंबर भर देते हैं। अब टोटल मार्क्स निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू सम, शिफ्ट के साथ 9 वाली की दबाएंगे और यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा। फिर हमें टोटल जोड़ना है, तो उसके लिए हम यूज आप देख रहे होंगे ये
ए बी सी डी ऊपर लिखी हुई है, उसमें देखिए आपका सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैथ का है वो किस उसमें है, सी में, तो सी में कौन सी एरो लाइन में, C6 में, तो हम लिखेंगे C6। टोटल जोड़ने के लिए हम शिफ्ट के साथ L के राइट हैंड वाली की दबाते हैं, शिफ्ट के साथ दबाने, शिफ्ट दबाने के शिफ्ट प्रेस करने के बाद तब दबाएंगे, तो इससे समानुपात का वो लग जाएगा चिन्ह, जिससे कि हम यहाँ से लास्ट वाला लेंगे तो हिंदी से पूरा टोटल जुड़ जाएगा, तो हिंदी वाला सेल है G6, G6 देख रहे हैं आप, टोटल जुड़ गया है ये। अब हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज जीरो वाली की, एंड प्रेस शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर जीरो वाली की, तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर हम एंटर, तो हमारे टोटल मार्क्स आए हैं 334। अब एवरेज निकालना है हमें, तो एवरेज निकालने के लिए हम इजुकल टू एवरेज, नीचे आ गया देखिए आपको एवरेज, फिर लिखेंगे इसमें सबसे पहले सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, सेम वही है बस इसमें भी C6 शिफ्ट के साथ एल वाली राइट वाली की समानुपात वाला लग गया। अब फिर हम दबाएंगे G6, टोटल सेलेक्ट हो गया, फिर एंटर, तो एवरेज यानी कि परसेंटेज 66% बनना है बंदे का। अब पास और फेल के लिए हम यूज करेंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट 9 वाली की दबाएंगे ब्रैकेट, फिर यूज करेंगे काउंट काउंट इफ, आपको दिख रहे होंगे दो ब्रैकेट, तो इसके बीच में लिखना है हमें, सबसे पहले लिखना है कहाँ से सब्जेक्ट पहला लेंगे C5 कितने तक G5 नहीं C6, फिर समान पार लगाएंगे और कहाँ तक है हमारे सब्जेक्ट हिंदी तक, तो G6 ये सेलेक्ट हो गया। अब कॉमा फिर डबल कॉमा शिफ्ट के साथ एंटर, सेकेंड एंटर वाले बटन की साइड से डबल कॉमा, फिर ग्रेटर देन 33 डबल कॉमा ब्रैकेट डबल कॉमा, उसके बाद आएंगे हम ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 कॉमा डबल कॉमा पास और डबल कॉमा। अगर हमारे पांचों सब्जेक्ट ये यहाँ पे हमने लगाया है C6 समान पास G6 कॉमा डबल कॉमा ग्रेटर देन 33 डबल कॉमा ब्रैकेट क्लोज कॉमा इज इक्वल टू 5, अगर हमारे पांचों सब्जेक्टों में नंबर 33 से ज़्यादा हैं तो हम पास हैं, ये दिख रहा है आपको इज इक्वल टू 5 कॉमा के बाद डबल कॉमा में पास लिखा हुआ है, तो हमारे पांच सब्जेक्ट में 33 नंबर से ज़्यादा हैं तो हम पास हैं, और अगर हमारे कम हैं किसी नंबर में तो उसके लिए फिर कॉमा इफ ब्रैकेट फिर काउंट काउंट इफ फिर से हम वही करेंगे, ब्रैकेट लगा हुआ है तो C6 शिफ्ट के साथ L के राइट वाली समान बात फिर 6 फिर G6 कॉमा। और हमारे इन पांच सब्जेक्ट में से ग्रेटर देन लेस देन 33 डबल कॉमा ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। अगर हमारे तीन सब्जेक्ट में 33 नंबर से कम हैं
तो हम फेल दिखाए जाएंगे, तो इसलिए डबल कॉमा फेल डबल कॉमा क्लोज फिर कॉमा। और अगर हम दो में फेल हैं तो हम उसके लिए लगाएंगे डबल कॉमा कॉम्पार्ट मेंट, यानी कि हम दो में फेल हैं तो इसको भी डबल कॉमा क्लोज और ब्रैकेट कितने यूज है हमारे दो, इफ के बाद के इफ जितनी बार यूज हुआ है उतने ही लास्ट में ब्रैकेट हमें लगाने हैं, तो एक और इफ दो, दो बार यूज हुआ है एंटर, ये बंदा पास है, पास लिखा आ गया। अब ग्रेड लगाना है हमें, तो ग्रेड के लिए हमें सबसे पहले देखने हैं किसने किसके हिसाब से लगाना है, अगर बंदे के 75% है या 70% है 60% है तो उसके हिसाब से ए ग्रेड बी ग्रेड दिया जाता है, तो ग्रेड के लिए लगाएंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट टोटल, जो एवरेज वाला है हमारा उसे यूज करते हैं, आई सिक्स ग्रेटर देन 75 का मतलब ये है 75 से ज़्यादा है तो हम उसे देंगे कॉमा डबल कॉमा ए ग्रेड डबल कॉमा क्लोज कॉमा, अगर 75 से कम है तो इफ दोबारा यूज करेंगे हम इफ फिर ब्रैकेट फिर आई सिक्स फिर ग्रेटर देन 65 कॉमा, यानी 65 से ज़्यादा हैं और 75, मतलब जो 75 से ज़्यादा हैं तो वो ए ग्रेड में आएंगे और जो 65 से ज़्यादा हैं वो बी ग्रेड में आएंगे, तो इसके लिए डबल कॉमा बी डबल कॉमा क्लोज फिर कॉमा, और जो इससे भी कम हैं वो सी में आएंगे, उसके लिए हम डबल कॉमा क्लोज। हमारे इफ कितनी जगह यूज हुआ है, एक दो, दो जगह इफ यूज हुआ है तो दो बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे फिर एंटर, तो ये बी ग्रेड में आ रहा है क्योंकि ये 65 से ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा ऊपर फॉर्मूला 65 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड में आ रहा है, और कम होता तो सी में आता। तो ऐसे ही मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ, आप बस देखते रहिए।
हमने सब के यहाँ मार्क्स लिख लिए हैं। अब सब अब टोटल लगाने के लिए हर किसी के आगे तो हम मेरे फॉर्मूला टाइप नहीं करें, तो इसके लिए हम ये एरो को यहाँ पे क्लिक करके नीचे तक लेकर आएंगे, जिससे फॉर्मूला सब में अपने आप ऑटोमेटिक लग जाएगा। आपको दिख रहा होगा सब में फॉर्मूला लग गया है ऊपर। ऐसे ही एवरेज वाला यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला सब में लग गया है। और पास एंड फेल के लिए भी ऐसे ही यूज करेंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर दूँ। ये कम पार्ट दिखा रहा है, मतलब ये दो विषय में फेल हैं, तो मतलब दो विषय में फेल हैं उनको कंपार्टमेंट दिखाएगा। और जो तीन विषय में फेल हैं, देखिए रजत तीन विषय में फेल हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री में 32 है, इंग्लिश में भी 32 है और हिंदी में 12 हैं। तो ये तीन विषय में फेल हैं तो इसलिए इनको फेल शो करेगा, और ये दो विषय में फेल हैं तो इनको कंपार्टमेंट शो करेगा, यानी ग्रेड से पास हुए हैं। ऐसे ही हम ग्रेड देंगे ग्रेड के लिए, तो ये सब सी ग्रेड में है, बाकी के सिर्फ। अब यहाँ पे नंबर चेंज करके दिखाता हूँ आपको रजत के, तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक काम करेगा। कंपार्टमेंट यानी दो में फेल है अभी, तो कंपार्टमेंट शो कर रहा है अभी भी, और हम इसको चेंज करेंगे, एक में भी फेल होंगे तब भी कंपार्टमेंट शो करेगा। और यहाँ पे देखिए अब पास शो करने लगा। ऐसे ही इनको भी चेंज करते हैं, 68 और 75। आपने ये भी देखा होगा पास के साथ उनका ग्रेड भी चेंज हो गया, वो ए ग्रेड में आ गए। और यहाँ पे भी किसी का भी चेंज करेंगे हम, सी ये चेंज करके दिखाता हूँ, तक ये बी ग्रेड में आ गया। आपको अब दिख रहे हैं, ये चेंज करेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपने आप काम करेगा। अब इसको सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे आएंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देंगे यहाँ पे क्लिक, तो सारे में बॉर्डर लग गया है। और हमें ये सब सेंटर में लाने, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेंटर वाले पर क्लिक कर देंगे, तो ये सारे सेंटर में आ जाएंगे। और हमको इनको भी कलर देना है, तो सबसे पहले हम ये ऊपर वालों को कलर देते हैं, फील कलर पे जाएंगे, यहाँ पे फील कलर कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी कलर दे देंगे हम। यहाँ इन्हें ये कलर दे दिया, ऐसे ही इनको फील कलर कर देंगे। सबसे मेन चीज़ अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, आपको इसमें एक चीज़ और दिखाएंगे। ये पहले इतने सारे ये सभी सब्जेक्ट के नंबर हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जाएंगे हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स, जो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन यानी ये आपको बताता हूँ, 33 से जो सब ज़्यादा होंगे वो येलो में शो होंगे, और 33 से जो कम होंगे उनके लिए हम जाएंगे लेस देन में, जो 33 से कम होंगे उनको भी हम अभी रेड टैक्स में कर देते हैं, रेड टैक्स। तो यहाँ पे अभी कोई है नहीं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, देखो 33 ये शो हो रहे हैं यहाँ पे सामने, अलग अलग सेलेक्ट करने के बाद चेंज की लेस देन या 33 रेड टैक्स हो रहे होंगे। ऐसे ही ये फाइल बन गई है। तो आपको अगर कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करें। धन्यवाद।